नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे चैनल में स्वागत है। टॉपिक हमारा इंडियन पिनल कोड 1860 और सेक्शन हमारे 359 से लेकर के 369 तक, और इसमें चैप्टर नंबर 16। तो ये क्या है, ये कवर कर रहा है किडनैपिंग और अबडक्शन, दोनों चीजें हैं, किडनैपिंग और अबडक्शन। तो अबडक्शन क्या होगा उसको हम थोड़ा साइड में रखते हैं, पहले किडनैपिंग पढ़ेंगे। किडनैपिंग सेक्शन 359 में कवर किया गया है और उसमें बोला है किडनैपिंग का मतलब दो है। क्या मतलब? पहली चीज किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया और किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियन। तो दो चीजें इसके अंदर कवर की गई हैं किडनैपिंग में सेक्शन 359 में। अब किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया और किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियन, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, तो उन्होंने आने वाले सेक्शंस में इसको अलग अलग डिफाइन कर दिया। सेक्शन 360 जो है वो बोलता है किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया और सेक्शन 361 बोलता है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। तो अब हम बात करें किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया। तो किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया का क्या मतलब है, आपको समझ आ रहा है? किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया यानी कि एक पर्सन जो इंडिया में रह रहा है उसको वहां से ले जाकर के कहीं और शिफ्ट कर दिया गया, किसी और कंट्री में शिफ्ट कर दिया गया, तो वो कहलाया जाएगा किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान में देने वाली है कि जब हम किडनैपिंग की बात करते हैं तो किडनैपिंग में जो ध्यान देने वाली बात है, एक तो होता है क्या, एक होता है कंसेंट। ये बहुत जरूरी है जो ये कंसेंट की मैं बात कर रही हूँ। कंसेंट किडनैपिंग में क्या क्या रोल अदा करती है, बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर कंसेंट के साथ में एक पर्सन को दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है, ठीक है, मतलब ए बी को कहीं ले गया दूसरी जगह पर उस ए की मर्जी के साथ में, तो वो किडनैपिंग में नहीं आएगा। लेकिन ए की मर्जी नहीं थी और बी उसको जबरदस्ती या फिर किस डरा धमका करके ले गया, तो वो किडनैपिंग में आता है। तो यहाँ पर हम किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया की बात कर रहे हैं। तो यानी कि एक पर्सन, तीन कंडीशन है। पहली कंडीशन, एक पर्सन इंडिया में रहता है, उसको उसकी कंसेंट के बिना, मैंने बोला कंसेंट सहमति, उसकी सहमति के बिना इंडिया से, फ्रॉम इंडिया दूसरी जगह ले जाया जा रहा है, उसको बोला जा रहा है किडनैपिंग, जो कवर है सेक्शन 360 में। यहाँ ध्यान देने वाली बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो है कंसेंट। कंसेंट किसकी, जिस पर्सन को दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है, कहाँ से, इंडिया से। तो ये चीजें तो समझ आ गई कि इंडिया से शिफ्ट किया जा रहा है एक पर्सन को उसकी कंसेंट के बिना। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज इसमें इंक्लूड होती है, वो होती है एज। क्या इंक्लूड होती है? एज। तो यहाँ पे क्या है, कंसेंट और एज। तो यहाँ पर किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया की मैं बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर किसी भी एज का पर्सन हो सकता है, चाहे वो माइनर हो चाहे वो मेजर हो, ठीक है, कैसा भी माइंड का पर्सन हो सकता है, अनसाउंड माइंड, साउंड माइंड। तो ये जो आ रहा है वो आ रहा है किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया में, जब एक पर्सन को दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है उसकी कंसेंट के बिना, और एज यहाँ पे मैटर नहीं कर रही, या तो उस पर्सन की अपनी कंसेंट के बिना, या फिर उसकी जगह पर कोई ऐसा पर्सन है जो अथोराइज्ड किया गया है कि अगर, ठीक है, से मैं हूँ, ठीक है, अगर मेरी, मैंने किसी और को दे रखा है कि मेरे फैसले कोई और लेगा, इसे मेरे फादर या मदर लेंगे, तो अगर मेरे बिहाफ पर वो कंसेंट कर दे रहे हैं तो क्या आ रहा है, सहमति कर रहे हैं, तो वो किडनैपिंग में नहीं आता, क्योंकि लीगली अथोराइज किया हुआ है किसी और पर्सन को, तो वो किडनैपिंग में नहीं आता। तो यानी कि क्या क्या होता है किडनैपिंग, पहली कंडीशन पर्सन इंडिया में रह रहा है, दूसरी कंडीशन उसको इंडिया से कहीं और लेके जाया जा रहा है, तीसरी कंडीशन उसकी कंसेंट या उसके या तो उसकी खुद की कंसेंट या फिर जो दूसरा पर्सन उसने अथोराइज किया है अपनी कंसेंट लेने के लिए, कंसेंट किसी बात पे लेने के लिए या देने के लिए, वो उसकी मर्जी के बगैर लिया जा रही, उसको दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है, दोनों चीजें हो रही हैं। तो उसको हमने यहाँ पे डिफाइन किया है किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया सेक्शन 360। अब हम आगे बढ़ते हैं किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। अब यहाँ लॉफुल गार्जियनशिप का मतलब है, कवर है इन द 361 के, और क्या बोल रहा है ये लॉफुल गार्जियन। तो लॉफुल गार्जियन किसके होंगे, पर्सन जो कि माइनर है, ध्यान देना, पर्सन जो कि माइनर है या फिर पर्सन जो कि अनसाउंड माइंड है या इनसेन है, ठीक है, दो तरीके के लोग यहाँ पे इंक्लूड किए गए, क्या, एक तो माइनर और दूसरा अनसाउंड माइंड या इनसेन। तो उनका कोई ना कोई गार्जियन होगा, या तो नेचुरल गार्जियन होंगे या फिर लॉफुल गार्जियन होंगे, लीगल गार्जियन होंगे। तो जो नेचुरल गार्जियन हुए वो तो पेरेंट्स हुए, और लीगल गार्जियन की उसकी जगह, उनकी जगह पर, पेरेंट्स की जगह पर किसी और को अथोराइज किया गया है उनके, उनकी टेक केयर करने के लिए। तो अब माइनर क्या डिफाइन किया गया है, माइनर अगर एक मेल है तो उसकी का कंडीशन है
अंडर द एज ऑफ 16 और फीमेल है तो अंडर द एज ऑफ 18 और अनसाउंड माइंड पर्सन और इनसेन पर्सन. तो इसमें क्या कंडीशन आ रही है, इसमें बोल रहे हैं कि एक पर्सन को दूसरी जगह पर बिना कंसेंट के, किसी कंसेंट आ रही उस पर्सन की, माइनर की कंसेंट नहीं आ रही, यहाँ पर लॉफुल गार्जियनशिप उनकी कंसेंट के बिना किसी और जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है, तो उसको यहाँ पर बोला जा रहा है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप. तो इसकी क्या क्या कंडीशंस हैं, पहली कंडीशन पर्सन या तो माइनर है, ठीक है, माइनर है या फिर अनसाउंड माइंड है. माइनर अगर मेल है तो अंडर 16 ईयर्स ऑफ एज है, माइनर अगर फीमेल है तो अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज है और अनसाउंड माइंड है. दूसरी चीज, वो किसी लीगल लॉफुल गार्जियनशिप के अंडर में, कंट्रोल में है. लॉफुल गार्जियनशिप का मतलब ये नहीं कि वो अपने घर में ही है और घर से उसे लेके जाया जा रहा है, जी नहीं. अगर सड़क पे वो पर्सन चल रहा है और सड़क से उसको लेके जाया जा रहा है तो भी किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप आ रहा है, क्योंकि अगर एक पर्सन बाहर भी है तो वो अंडर द कंट्रोल ऑफ लीगल गार्जियन है, तो उसके उसके वहां से भी लेकर के आप नहीं जा सकते हैं, वो भी किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप में इंक्लूड हो जाएगा. तीसरी चीज, किसी भी तरीके से ले जाया जा रहा है, जरूरी नहीं है कि गोद में उठाकर ये बच्चे को लेके जाया जा रहा है, किसी भी तरीके से बहला फुसला के, फ्रॉड, हर तरीके से इसमें इंक्लूड हो जाएगा. फिर चौथी चीज क्या आ रही है, चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आ रही है कि आपने जो है कंसेंट नहीं ली, सहमति नहीं ली लॉफुल गार्जियन की. अगर सहमति है तो फिर तो पार्टी खत्म होगी, किडनैप है ही नहीं. लेकिन अगर लॉफुल गार्जियन की सहमति नहीं है, कंसेंट नहीं है, तो वो किडनैपिंग में आ जाएगी. तो अब आप दोनों चीजों में देखो क्या डिफरेंस है. डिफरेंस यह है, यहाँ पे हर तरीके का पर्सन, यानी हर एज का पर्सन इंक्लूडेड था, और इसमें क्या है, इसमें सिर्फ और सिर्फ माइनर और अनसाउंड माइंड की बात की गई है. कंसेंट दोनों में ही जरूरी है. अब आती है, अगर ये ऐसा ऑफेंस हो जाता है, एक पर्सन ऐसा ऑफेंड करता है, तो उसके लिए क्या पनिशमेंट है. पनिशमेंट है जो 7 साल से भी ज्यादा आगे बढ़ सकता है और प्लस फाइन भी है. 7 साल किस चीज की, इम्प्रिजनमेंट, जेल, ठीक है. अब एक सेक्शन 363 का अमेंडमेंट है, ए 363A, इसमें क्या है, किडनैपिंग और मेमिंग ए माइनर फॉर द पर्पस ऑफ बेगिंग, यानी भीख मांगने के लिए एक पर्सन को, माइनर को जब किडनैप किया जा रहा है या उसे मेमिंग किया जा रहा है, तो वो भी इंक्लूड किस में आ जाएगा, वो 363A में आता है और वो ऑफेंस है. और उसका इम्प्रिजनमेंट क्या है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ प्लस फाइन. यहाँ बात देखने वाली है कि माइनर, अगेन फिर से क्या बोल रहे हैं कि अगर मेल है तो 16 ईयर्स ऑफ एज और फीमेल है तो 18 ईयर्स ऑफ एज से कम होना चाहिए. और इसके अलावा क्या, प्राइवेट सॉरी पब्लिक प्लेस पर जो है उसको से भीख मांगने का काम करवाया जा रहा है, तो उस करवाया जाना है, ऐसा इंटेंशन है, करवाया गया, तो उसके लिए जो होगा ऑफेंड के लिए पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और फाइन है. तो ये तो हो गया हमारा किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, इंडिया से बाहर लेके जाया जा रहा है, बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया. लेकिन किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप है, तो यहाँ पर किडनैपिंग हमने यहाँ पर इंडिया, बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया मेंशन नहीं किया, यानी कि अगर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे भी, या इसे अगर एक पर्टिकुलर स्टेट से दूसरे पर्टिकुलर स्टेट पे, या एक सिटी से दूसरे सिटी में भी अगर ऐसा हो रहा है, तो वो भी इसके अंदर 361 में इंक्लूड किया गया है. तो किडनैपिंग फ्रॉम जिसमें किडनैपिंग 359 दो तरीके से, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया एंड किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप, पनिशमेंट 7 साल से भी ज्यादा की सजा इसमें हो सकती है और फाइन इसके साथ में लगा हुआ है. अब ये हमारा किडनैपिंग खत्म हो गया, अब हम आगे पढ़ेंगे अबडक्शन. इससे पहले कि हम अबडक्शन की तरफ आगे बढ़े, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ कि अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है, समझ आ रही है, तो आप लाइक का बटन प्लीज प्रेस कर दीजिएगा. अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, जिन तक आप ये नॉलेज पहुंचाना चाहें उन तक प्लीज शेयर कीजिएगा. और सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन और नीचे बेल आइकन, वहां प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा. और हमेगा आगे हम बात कर रहे हैं किस चीज की, हम बात कर रहे हैं किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप की, ये हम कर चुके. अब हम बात कर रहे हैं अबडक्शन की. तो अबडक्शन की बात कर रहे हैं, तो अबडक्शन की बात कर रहे हैं, ये कवर है 362 में. तो अबडक्शन क्या होता है, अबडक्शन होता है, मैं अगर हिंदी में उसको ट्रांसलेट करूँ तो इसका मतलब होता है बहलाना फुसलाना, बहला फुसला करके ले जाना, अबडक्शन का मतलब ये होता है. तो अबडक्शन जनरली 362 में डिफाइन किया गया है कि एक पर्सन अगर दूसरे पर्सन को या तो फोर्स, जबरदस्ती, या फिर डिसीटफुली, धोखे से क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जा रहा है, तो वो अबडक्शन है 362 में. लेकिन ये ऑफेंस नहीं माना गया है अगर इसमें इंटेंशन नहीं है एक पर्सन का ऐसा ऑफेंड करने का. देख लीजिए, ए ने बी को ये बोला कि तुम मेरे साथ कहीं घूमने चलो,
वहां पर बहुत अच्छा है, वहां पे बहुत एंजॉय होगा, बेला फुसला करके वो उसे ले गया, तो ये ऑफेंड नहीं होगा। अगर उसका इंटेंशन बी का, ए का, अगर ए का जो इंटेंशन है वो कैसा नहीं है, पिनलाइज नहीं है, इंटेंशन अगर गलत नहीं है, ऑफेंडेबल नहीं है, तो ये अबडक्शन जो है वो ऑफेंस में नहीं आएगा। मतलब अगर हम बहला फुसला रहे हैं किसी को उसकी भलाई के लिए, तो वो ऑफेंस में नहीं आएगा। वो अबडक्शन ऑफेंस कब होगा? अबडक्शन ऑफेंस तब होगा वो जब 364 से लेके 368 तक किसी भी सेक्शन में अगर इंक्लूड कर लिया जाए। तो क्या क्या है वो सेक्शन, हम वो पढ़ते हैं। सबसे पहला है सेक्शन 364, जिसका मतलब ये है कि अबडक्शन किया जा रहा है किस लिए, टू कमिट मर्डर, उस पर्सन का मर्डर करने के लिए लेके जाया जा रहा है, तो वो हम बोल रहे हैं ऑफेंस है, और वो उसके लिए पनिशमेंट 10 साल तक की सजा और प्लस क्या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ भी इसमें पनिशमेंट हो सकता है और फाइन भी साथ साथ है। अब आगे बात कर रहे हैं, सेक्शन 364 अगर इंक्लूडेड है तो भी क्या होगा, तो अबडक्शन में आ गया, और सेक्शन 365 है तो वो भी क्या है, विद इंटेंट सीक्रेटली और रॉन्गफुली टू कन्फाइन ए पर्सन, एक पर्सन को बंद करके रखना, कन्फाइनमेंट में रखना धोखे से या फिर गलती से, तो वो ये अबडक्शन का पर्पस था, तो क्या हुआ उसके लिए भी सजा क्या है, 7 साल तक जाती है या फिर फाइन, सॉरी दोनों 7 साल तक की सजा और प्लस फाइन। अब इसके अलावा आगे बढ़िए, 366 में अगर आ रहा है, 366 में जो सेक्शन में जो डिफाइन किया गया, अगर उस पर्पस से अबडक्शन हो रहा है तो भी क्या होगा, तो भी वो ऑफेंस में आएगा। क्या है, ए वुमन टू कंपेल हर टू मैरी एनी पर्सन अगेंस्ट हर विल, एक लेडी को जबरदस्ती की उसकी मर्जी के बगैर अगर शादी के लिए फोर्स किया जा रहा है, टू फोर्स और टू सेड्यूस फॉर रॉन्गफुल एक्ट, तो उसके लिए हो रहा है, ये काम किया जा रहा है, अबडक्शन किया जा रहा है, तो वो है सेक्शन 366 में कवर, और 10 साल तक की सजा और फिर फाइन भी साथ साथ में। अब देखिए 364 में अगर इंटेंट हमारा, अगर इंटेंट क्या था, एक पर्सन का कमिट करना मर्डर, इसलिए अबडक्शन हुआ, तो 364 ए बोल रहा है किडनैपिंग फॉर रैनसम, रैनसम के लिए अगर ये हो रहा है क्या किडनैपिंग, तो भी इसमें क्या इंक्लूड हो रहा है, तो भी ये क्या बोल रहा है, ये भी एक ये ऐसा ऑफेंड है जिसके लिए क्या जाएगी, सजा जाती है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ तक प्लस फाइन। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर रैनसम किसे मांगा जा रहा है, एक पर्सन जिसके की गार्जियन, जो कि लॉफुल गार्जियन है उस पर्सन का जिसको कि अबडक्शन किया गया, और दूसरी चीज गवर्नमेंट भी इंक्लूड है इसमें या फिर इंटरनेशनल गवर्नमेंट भी इंक्लूड है, अगर उनसे भी रैनसम मांगा जा रहा है तो अबडक्शन करने के बाद, तो वो भी यहाँ पर आ जाता है 364 में, और उसकी जो सजा है वो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ तक है। फिर इंड्यूसिंग ए माइनर गर्ल 366 में वुमेन, और यहाँ पे माइनर गर्ल, तो यहाँ पर इम्प्रिजनमेंट सेम ही होगा, इंड्यूसिंग ए माइनर गर्ल सेक्शन 360 ए, यानी यहाँ पर वुमेन है और यहाँ पर माइनर गर्ल को अगर इंड्यूस किया जा रहा है। फिर किडनैपिंग इन ऑर्डर टू सब्जेक्ट ए पर्सन टू ग्रीवियस हर्ट, ध्यान रखना ग्रीवियस हर्ट के लिए किडनैप किया गया, ग्रीवियस हर्ट होगी उसके बाद उसको मतलब बहुत ज्यादा हर्ट किया जाएगा, जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं लास्ट क्लास में, स्लेवरी के लिए या फिर अननेचुरल लस्ट के लिए, तो ये 367 में कवर है, और इसके लिए सजा जो है वो 10 साल तक की और साथ ही साथ फाइन भी है। फिर रॉन्गफुली कंसीलिंग और कन्फाइनिंग ए किडनैप्ड और अबडक्टेड पर्सन, रॉन्गफुली क्या जिसे किडनैप किया गया था उसको हम रॉन्गफुली गलती से कंसील कर लिया या कन्फाइन कर लिया, तो 368 में आएगा, और उसके लिए पनिशमेंट वही होगा जो कि पनिशमेंट डिफाइन किया गया था क्या इसके लिए, अबडक्शन के लिए और किसके लिए, किडनैपिंग के लिए, जो कि यहाँ पर है ये सेक्शन 365 में सेम पनिशमेंट है दोनों में। फिर ये तो हो गए अबडक्शन कब ऑफेंड बनेगा, इन कंडीशन में ऑफेंड बनेगा, किन कंडीशन में, मर्डर के लिए लेके गए, रैनसम मांगने के लिए उसको अबडक्शन किया उसका, या फिर एक वुमेन को उसकी विल के अगेंस्ट शादी करने के लिए बाध्य किया गया, एक माइनर गर्ल को इंड्यूस किया गया, या फिर क्या किया गया, जबर छुपा लिया गया, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट किया गया, या एक किडनैप्ड और अबडक्ट पर्सन को रॉन्गफुली कन्फाइनमेंट कर लिया, तो ये जो होगा वो अबडक्शन में आ जाएंगे। और अगर इनके अलावा जेन्युइन पर्सन है उसके फायदे के लिए बहलाया फुसलाया गया है और कहीं ले जाया गया, तो वो अबडक्शन में नहीं आएगा। और तीसरी चीज क्या है, ये तो हो गया अबडक्शन, फिर आता है सेक्शन 369, इसमें है
यानी एक पर्सन से एक 10 साल तक के बच्चे को 10 साल तक के बच्चे को विद इंटेंट टू स्टील द प्रॉपर्टी चुराने के पर्पस से मूवेबल प्रॉपर्टी का एक पर्सन से इस पर्पस के साथ में एक पर्सन अगर एक बच्चे का जो है किडनैप किया गया अबडक्शन किया गया तो उसके लिए सज़ा जो है वो 7 साल तक की है और उसके साथ ही साथ फाइन भी है। तो अगर ये जितने भी हमने सेक्शंस पढ़े हैं इनमें इनके नोट्स आपको चाहिए तो मेरा जो फेसबुक का पेज है उसका लिंक मैंने नीचे शेयर किया है, आप वहाँ जाइए, वहाँ आपको मिल जाएगा आसानी से। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, वो भी मैंने आपको कॉन्टैक्ट भी अपने नीचे मैंशन कर दिया है। और फिर से बोलूँगी, अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ये आज की क्लास के लिए इतना ही, आगे हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।